टैबलेट स्मार्टफोन आप सभी लोगों को दिए जाने हैं। तो इस संबंध में काफ़ी सारी अपडेट्स आप लोगों को डेली ही देखने के लिए मिलती रहती हैं। यहाँ पर एक और अपडेट आया है आप सभी लोगों के लिए, लगभग यहाँ पर 83,000 की संख्या में छात्रों का जो डेटा है वो भेजा गया है कॉलेजों की तरफ से। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस डिटेल में देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर ये अपडेट है, 83,000 छात्रों का जो डेटा है स्मार्टफोन के लिए दिया जा चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से युवाओं को दिए जाने वाले टैबलेट व स्मार्टफोन के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से संबद्ध कॉलेजों का फाइनल डेटा अब तैयार है। वितरण प्रक्रिया के लिए बनाई गई टीम डीजी शक्ति के नोडल अधिकारी बनाए गए प्रोफेसर अनिल मिश्रा ने बताया है कि सत्यापन के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों के 83,000 स्टूडेंट्स का जो डेटा है शासन को भेजा गया है। उन्होंने बताया है कि प्राथमिकता के आधार पर लखनऊ यूनिवर्सिटी और संबद्ध कॉलेजों के स्नातक तृतीय वर्ष के पीजी और द्वितीय वर्ष के छात्रों का जो डेटा है वो तैयार हो चुका है। पूरा यह संख्या 83,000 और इसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी के 10,800 छात्र और अन्य लगभग 72,000 छात्र संबद्ध कॉलेजों की हैं। ठीक है, बाकी जगह शुरुआत ही नहीं हुई है अभी तक। एक और जहां लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अपना डेटा शासन को भेज दिया है, वहीं BBU AKTU समेत अन्य विश्वविद्यालयों में अभी तक डेटा जुटाने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। मतलब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक तरफ ऐसी भी न्यूज़ आ रही हैं कि जो टैबलेट है स्मार्टफोन से आप लोगों को 20 दिसंबर से या फिर 25 दिसंबर से आप लोगों को देना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, और काफ़ी सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनमें अभी तक डेटा को कलेक्ट नहीं किया गया है और डेटा को डीजी शक्ति नाम के जो पोर्टल है उस पर अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। अगर आपका भी ऐसा कोई यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है तो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइए कि आप कौन से यूनिवर्सिटी या कॉलेज से बिलोंग करते हैं जहाँ पर आपका जो डेटा है अभी तक आपसे नहीं मांगा गया है। ठीक है, तो आप लोग नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर परीक्षा फॉर्म भरने का एक लास्ट मौका है कल तक, जो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है, जनवरी की परीक्षाओं पर कोरोना का साया मंडराते हुए नजर आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कोरोना का भी प्रकोप है फिर से देखने के लिए मिल रहा है, तीसरी वेव की जो बात चल रही है, तो जिनकी परीक्षाएं जनवरी में हो सकती हैं या होने वाली होंगी, तो यहाँ पर पूरा बताया जा रहा है कि बीटेक बीसीए MCA और MTech आदि के विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं जनवरी में होनी है। AKTU की परीक्षाएं भी 28 दिसंबर से प्रस्तावित है। इन परीक्षाओं पर कोरोना का जो खतरा है वो मंडरा रहा है। ट्विटर पर कुछ छात्रों ने जनवरी में परीक्षा न कराने या ऑनलाइन कराने की मांग की है। दोनों विश्वविद्यालयों का कहना है कि उस समय की स्थितियाँ देखकर शासन के निर्देश के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, ये पूरी अपडेट आप सभी लोगों के लिए। आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है किसी भी तरह का, तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग उससे जुड़ सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जल्दी से आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम पर हज़ारों छात्र पहले से जुड़े हुए, तो आप लोग भी जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया। आपको यहाँ पर सबसे पहले ऑथेंटिक अपडेट हर चीज़ की दी जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन है। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।